दोस्तों, घर शिफ्ट करने के बाद ये हमारा पहला संडे है इस घर में। और लास्ट व्लॉग में मैंने आप सबके साथ शेयर किया था कि मैंने आलू के पराठे बनाए हैं, उसमें से ये तीन आलू बच गए थे। तो आज संडे स्पेशल मैं बनाने जा रही हूँ आलू और पनीर के ब्रेड पकौड़े, और बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं। देखो, कब भी नहीं खुले अभी तक, वो भी मैं ओपन कर लेती हूँ पहले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिचार्ज तो मैनर। दोस्तों, ये वाला जो एरिया है जहाँ पर मुझे कुकिंग करनी थी, वो मैंने क्लीन कर लिया है। दूसरी तरफ थोड़ा थोड़ा सा भी फैला है, तो ये मैंने फ्रिज से आलू निकाल लिए हैं। और ऐसे ही यूज़ करेंगे तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, इसके लिए पहले हम इसको माइक्रोवेव में गर्म कर लेंगे। तो ये तरीका बहुत अच्छा होता है, अगर आप तुरंत के उबले हुए आलू नहीं यूज़ कर पा रहे हो, फ्रिज के निकाले हुए करने हैं, तो आप करीब 1 से 1.5 मिनट के लिए उसको माइक्रोवेव कर लीजिए, और वो बिल्कुल फ्रेश उबले हुए आलू की तरह ही टेस्ट देंगे आपको। बहुत ज़्यादा गर्म हो गए हैं, इसलिए इसको आराम से एक बर्तन में मैंने निकाल लिया है, और अब इसको अच्छे से छील लेना है। और जैसे मैंने आप सबके साथ शेयर किया था कि मेरे पास अभी गैस नहीं है, मैं इंडक्शन पे ही कुकिंग कर रही हूँ, तो ये जो ब्रेड पकोड़े की रेसिपी है, वो भी मैं आपको इंडक्शन पर ही बताऊँगी। और कैसे, कितने वॉट्स पर इसको फ्राई करना है, कैसे क्या करना है, वो सब आप आगे देखोगे। तो यहाँ पर मैंने ये तीन आलू मैश कर लिए हैं अच्छे से, और इसके बाद मैं एक स्मॉल साइज़ का अनियन भी चॉप करके इसमें ऐड करूँगी। बहुत ही चटपटा सा एंड बिल्कुल मार्केट स्टाइल का बनाएंगे। और एक बात बहुत ही स्पेशल है कि हम इसको बिना फ्राई किए हुए बनाएंगे। इसको मैं हल्के से तेल में, जो शैलो फ्राई सा कर लेंगे, शैलो फ्राई से भी कम वाला ऑयल लेंगे, और उसमें मैं इसको बनाने वाली हूँ। यहाँ पर मैं पिजन का इंडक्शन यूज़ कर रही हूँ, उस पर मैंने एक पैन चढ़ा दिया है एंड प्रेशर कुकर का मोड सेलेक्ट कर लिया है, और इसमें 2 बड़े चम्मच मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो माइनस का वाला बटन दबाकर इसको 200 वाट्स पर सेट कर लेंगे, जिससे कि पैन ज़्यादा गर्म ना हो जाए। अब इसमें मैं आधा छोटा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर ऐड करके थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी, और इसके बाद जो हमने अनियन एंड जो है ये ग्रीन चिलीज चॉप किए थे, इनको ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मसाले पहले डालने का मतलब ये है कि हमें प्याज को ज़्यादा भूनना नहीं है, बट हल्का सा वो ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, इतना ही हमें करना है। तो ये हो गया। अब इसके अंदर हम आधा इंच का टुकड़ा अदरक का ग्रेट करके डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं। अभी मेरे पास ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, इसलिए मैं इस तरीके से ग्रेट करके इसमें ऐड कर रही हूँ। तो मतलब चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है, बट वो मिल नहीं रही हैं। कहाँ कहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा सामान रखा हुआ है, वो भी मिल नहीं पा रहा मुझे, इसलिए मैं जैसे तैसे अपना काम चला रही हूँ। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ आधा छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर, और इसके साथ ही मैं इसमें पाव भाजी का मसाला ऐड करूँगी 1 छोटा चम्मच। अभी आप देख रहे होगे कि डब्बा ले लेकर मैं इसी तरीके से पैकेट से ही डाल रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने मसाले के डिब्बे जो है क्लीन नहीं किए हैं, और मैं सोच रही हूँ कि जब वो अच्छे से क्लीन हो जाए तभी उसमें भर कर रखूँ। इसके बाद हल्का सा मिक्स करने के बाद इसमें उबले हुए आलू जो हमने मैश करके रखे थे, उसको ऐड कर देंगे, और अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच नमक, और साथ में चाट मसाला ऐड करेंगे करीब 1 छोटा चम्मच ही, जिससे कि खूब ज़्यादा चटपटा बनेगा। ये सारे मसाले मेरे पास हमेशा ही होते हैं, तो मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ। अगर आपने देखा होगा मेरा किचन सेटिंग वाला वीडियो व्लॉग, तो उसमें मैं दिखाती हूँ कि आप जो है जो भी सारे मसाले हैं, वो आप अपने फ्रीज़र में इस तरह से डब्बों में करके रख सकते हैं, और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो मसाले मुझे आसानी से मिल गए थे, इसलिए मैं यहाँ पर सारे मसालों का यूज़ कर पा रही हूँ। अब मैंने ढककर रख दिया है जो आलू का मिक्सचर है, उसको थोड़ा सा 3 से 4 मिनट उसको पका लेंगे, उसके बाद इंडक्शन को ऑफ़ कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने पनीर ले लिया है, ये 250 ग्राम पनीर है, और इसमें से मैं कुछ पतले पतले स्लाइसेस कट कर रही हूँ, क्योंकि मैं आलू और पनीर का यहाँ पर ब्रेड पकौड़ा बनाने वाली हूँ। आप चाहें तो पनीर के स्लाइसेस और मोटे भी कट कर सकते हैं, बट मैं बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना चाह रही थी, तो मैं पतले पतले स्लाइसेस मैंने ले लिए हैं। और इसको इस तरीके से कट करने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा रेड चिली पाउडर एंड थोड़ा सा नमक डालकर रख देंगे, ताकि इसमें भी फ्लेवर आए, क्योंकि पनीर आप जानते हो कि फीका सा होता है, इसमें अपना कोई फ्लेवर नहीं होता है। यहाँ पर मैं 3 ब्रेड पकौड़ा बनाने जा रही हूँ, इसलिए मैंने 3 स्लाइसेस कट करी हैं। अब यहाँ पर मैंने एक जो बर्तन ले लिया है, जिसमें मैं एक बड़ा कटोरी जो है बेसन ले रही हूँ, इसमें मैं 1/4 छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच नमक डालकर इसको पानी डालकर मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर मेरे पास अभी हींग डब्बा मेरे पास था तो, बट वो मुझे अभी तक नहीं मिला है, पता नहीं कहाँ, मैंने बिल्कुल न्यू पैक मंगवाया था, वो मुझे मिल नहीं रहा है, तो मैं इसमें नहीं ऐड कर पा रही हूँ। अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर उसको ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा 2-3 चुटकी हींग। अब मेरा सारा कुछ रेडी है, मसाला भी रेडी है आलू का, और जो बेसन का घोल है वो भी रेडी है। तो अब मैं इसको ब्रेड में लगाना स्टार्ट करती हूँ। पैन मैंने खाली कर लिया है, और उसको धोकर सेम पैन को ही मैं यूज़ करने वाली हूँ अपना जो है फ्राइंग करने के लिए ब्रेड पकौड़ा। तो यहाँ पर पैन गरम हो चुका है, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ
सरसों का तेल, आप देख सकते हो मैंने कितना लिया है, बहुत ही हल्का सा है कि दोनों तरफ से ब्रेड पकौड़ा अच्छे से सिक जाए। चूँकि मैंने आपको पहले ही बताया था मैं इसको फ्राई नहीं करने वाली हूँ, तो यहाँ पर मैंने वाइट ब्रेड की स्लाइसेस ले ली हैं और इस पर मैं दोनों साइड में मतलब दोनों ब्रेड्स पर आलू का मिक्सचर लगा रही हूँ और बीच में इसके मैं पनीर की स्लाइस को स्टफ़ करूँगी। तो इस तरीके से बीच में स्लाइस को रख दें और दूसरी ब्रेड को इसके ऊपर लगाकर और जो हमने बेसन का घोल तैयार किया है उसमें हम इसको डिप करेंगे। और जो आँच मैंने रखी है वो 200 वॉट्स पर अभी रखी थी, उसको मैंने बढ़ा लिया है 1200 वॉट्स कर लिया है, जिससे कि जो ऑयल है वो अच्छे से गर्म हो जाए और जब हम इसमें ब्रेड को डालें तो वो अच्छे से सिक सके। यहाँ पर मैं इसको बार बार कम और ज़्यादा बढ़ा रही हूँ जो इसका टेम्परेचर है, मैंने इसको 400 वॉट्स पर कर लिया है। तो जैसे आपको लगता है कि ज़्यादा ही गर्म हो रहा है तो आप 400, 600 या 800 वॉट्स पर भी कर सकते हैं। अब मैंने जो बेसन के घोल में ब्रेड को डिप करके और इसको ऐड कर दिया है पैन के अंदर और थोड़ी देर इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे और उसके बाद से जो ऑयल है उसको इस तरीके से हम इसके ब्रेड के ऊपर वाले साइड में भी करते रहेंगे, जिससे कि ऊपर का बेसन भी अच्छे से पक जाए। जब हम इसको पलटें तो ये कहीं पर और लगने ना पाए, वैसे तो कहीं ना कहीं लग जाता है क्योंकि एकदम से तेल के अंदर तो होता नहीं है, हल्का सा तेल है नीचे तो ये ऊपर से थोड़ा सा कच्चा बेसन रहता है जब तक आप इसको पलट कर नहीं सेक लेते हैं। एंड जो ये पैन है ये बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है, मुझे बहुत दिक्कत दे रहा है क्योंकि इसके अंदर थोड़ा मतलब ऐसे चिकना सा हो जाता है ना ये, तो ये घूमने लग जाता है इंडक्शन के ऊपर, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत करता है। अभी मैं इसको अच्छे से दबा दबा कर तेल के अंदर ही सेक रही हूँ और थोड़ा सा इसको ये मूव ना करे इसके लिए मैंने एक ग्लास लगा दिया इसके हैंडल के नीचे और दोनों तरफ से अच्छे से मैंने इसको सेक लिया है और बहुत अच्छा सा एकदम क्रिस्पी सा ब्रेड पकौड़ा बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मतलब फ्राई किया हुआ नहीं होगा। बहुत खुशी हो रही मुझे देखकर क्योंकि आज हम कुछ अच्छा सा खाने वाले हैं, कई दिनों से तो यूं ही चल रहा था खाना पीना। खैर मैं बना ले रही हूँ, जो भी है इंडक्शन पर भी मैं कुकिंग कर पा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बट जैसे मैं हर बार बताती हूँ ना कि लाइट होनी ज़्यादा ज़रूरी है, अगर लाइट नहीं है तो फिर दिक्कत हो सकती है। अगर आपके पास भी इंडक्शन है तो आप सारी चीज़ें बना सकते हो जो जो मैं बना पा रही हूँ। तो अभी बस वही है कि इंडक्शन पर आप वॉट्स देखते रहिए, अगर आपको धीमा करना है तो आप जो है 200-400 वॉट्स कर लीजिए और अगर आपको तेज़ आंच पर जो कुछ बनाना है तो आप उसको 1000-1200 वॉट्स इस तरीके से करके बढ़ा सकते हैं इसका टेम्परेचर। अब मैंने क्या किया है कि अब मैंने जो आलू का मिक्सचर है वो ब्रेड की एक ही स्लाइस पर लगाया है और फिर उसको पनीर लगाकर पनीर की स्लाइस और दूसरी साथी ब्रेड लगा दी है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि ब्रेड दोनों ब्रेड पे भी आलू का मिक्सचर लगा सकते हो और चाहे तो आप एक ब्रेड पर लगाकर दूसरी ब्रेड को सिंपली लगा सकते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा आलू आपको नहीं पसंद है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। सेम उसी तरीके से मैं ऑयल को ऊपर डाल रही हूँ ब्रेड के, ताकि ऊपर का हिस्सा जो है अच्छे से बेसन का पक जाए, उसके बाद मैं इसको पलटूंगी। साथ में मेरे प्रेस्टीज वाले इंडक्शन पर चाय चढ़ी हुई है और उसके अंदर मैं तब तक अदरक घिस के डाल रही हूँ, जब तक ब्रेड पकौड़े बनकर तैयार होंगे तब तक साथ ही साथ दूसरे इंडक्शन पर चाय भी बनकर तैयार हो जाएगी। तो चाय भी मैंने आपके सबके साथ किसी और ब्लॉग में शेयर किया था कि स्टार्टिंग में मैं 1000 वॉट्स पर रखती हूँ और जब इसमें उबाला आने लगता है तो मैं इसको कम करके 200-300 वॉट्स, जो भी आपको कम आपके इंडक्शन पर है आप उस पर इसको चलाकर छोड़ सकते हैं और ये अपने आप से पकती रहेगी। और आप चाहें तो टाइमर भी सेट कर सकते हैं 5 से 6 मिनट का, उसके बाद ये अपने आप ही बंद हो जाएगा इंडक्शन और चाय आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। तो लीजिए बातों ही बातों में हमारे जो है ब्रेड पकौड़े बनकर तैयार हो चुके हैं और मैं इसको कट करके दिखाती हूँ। और सच मानो इतना क्रिस्पी बना था, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इसको हमने डीप फ्राई करके नहीं बनाया है, मतलब हर तरफ से बहुत अच्छा बना था और इतना चटपटा था कि मतलब मज़ा ही आ जाए। आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरे ये नए इंडक्शन वाले ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। वैसे तो मैं पहले जैसे नॉर्मल रेसिपीज़ होती थी वही शेयर करती थी, बट मुझे इधर ये ब्लॉग शूट करना बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं आप सबके साथ इसको शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ऐसा ब्लॉग्स देखना अच्छा लग रहा है तो मैं इसको कंटिन्यू भी करूँगी आगे। तो चलो ये ब्लॉग आज का यहीं पर फिनिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंड मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो उसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगी एंड ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।